अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको BTT बताने जा रही हूँ वो है आपकी स्किन से रिलेटेड, यानी मैं आज आपको बताऊँगी फेस ग्लोइंग मास्क कि आप घर में किन इंग्रेडिएंट से ऐसा मास्क बना सकते हैं कि आपके फेस के ऊपर जो है फौरन ही ग्लो आ जाए। चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी होनी चाहिए। बेसिकली कॉफ़ी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये आपके पोर्स की डीप क्लिनजिंग करती है, आपके पोर्स को टाइट करती है और नेचुरल बेसिक ग्लो लेकर आती है। अमूमन हमारे फेस के जो पोर्स हैं उन पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं और अमूमन हमारे फेस वॉश करने से वो रिमूव नहीं हो रहे होते। तो कॉफ़ी जो होती है ये आपकी डीप क्लिनजिंग करती है और आपके पोर्स को थोड़ा टाइट करती है ताकि जो है आपके फेस के ऊपर ग्लो आ सके। अमूमन क्या होता है, फेस के पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं और जिसकी वजह से फेस जो है बहुत ज़्यादा जो है बुरा लग रहा होता है। तो ये आपके फेस को पोर्स को टाइट करेगा और फेस के ऊपर ग्लो लेकर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये गुलाब का अर्क है जो कि आपके चेहरे को तरोताज़ा रखता है, आपके चेहरे पर जो है ग्लो लेकर आता है, शाइन लेकर आता है। ये बहुत ही नेचुरल वे है। ये आपके फेस के सेल को जो है एक्टिवेट करता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो सके और आपके फेस पर जो ग्लोइंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यह आपके स्किन के तमाम सेल को रिवाइव करता है, उन्हें एनर्जाइज करता है ताकि जो है वो वर्किंग कंडीशन में आए और फेस पे जो है नेचुरल ग्लो लाने में यूज़फुल हों। बेसिकली जब हम इसको डिज़ायर्ड क्वान्टिटी में डिज़ायर्ड चीज़ों के साथ मिला के अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो नेचुरल वे से ग्लो आता है। हल्दी पाउडर जो होता है ये बेसिकली एंटी ऑक्सीडेंट होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इसलिए अगर आपके फेस के ऊपर किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके फेस की रौनक जा चुकी है, स्किन पर शाइन नहीं है, तो हल्दी पाउडर जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट करेगा और आपकी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके आपके फेस के ऊपर नेचुरल वे से ग्लो लेकर आएगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है लेमन। लेमन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये आपके स्किन को डैमेज नहीं होने देता और अगर आपकी स्किन डैमेज हो रही हो तो उसको रिवाइव करता है ताकि जो है आपकी स्किन जो है वो बहुत ही स्मूथ लग सके, आपके फेस जो है वो स्मूथ टेक्सचर हो आपके फेस के ऊपर, ताकि कहीं भी आपको कहीं भी अनइवन स्किन नज़र ना आए। अमूमन जो है शाइन फेस की तब ख़त्म हो जाती है जब हमारे फेस के ऊपर गड्ढे पड़ जाते हैं या लाइंस आ जाती हैं या पोर्स हमारे ओपन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन तमाम चीज़ों की वजह से जो आपके फेस का नेचुरल ग्लो है वो ख़त्म हो जाता है। आज मैं आपको मास्क बता रही हूँ, इससे जो है आप ये तमाम चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी और आपके फेस के ऊपर नेचुरल ग्लो आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस मास्क को बनाने के लिए आपने 1 टेबलस्पून कॉफ़ी लेनी है, 2 टीस्पून आप रोज़ वाटर लेंगे, 1 पिंच जो है वो आप हल्दी लेंगे और फ्यू ड्रॉप्स जो है वो आप लेमन के जूस लेंगे। यानी हम पहले लेमन को स्क्वीज़ कर लेंगे, फिर हम 2 से 3 कतरे जस्ट जो है लेमन के जूस के यूज़ करेंगे इस मास्क के अंदर। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलिए जी, ये देखिए मैंने कॉफ़ी के अंदर जो है रोज़ वाटर को, हल्दी को और लेमन को ऐड कर लिया है। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इंस्टेंट ग्लो लेकर आएगा आपके फेस के ऊपर। अगर आपकी जाने के लिए रेडी हो रही हैं और आपके पास जस्ट 5 मिनट्स हैं फेस पे ग्लो लाने के लिए, तो ये फेस पैक आप बनाएं, फेस पे लगाएं और इंस्टेंट ग्लो अपने फेस के ऊपर लेकर आएं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपने इसको वीक में एटलीस्ट जो है 2 टाइम ज़रूर यूज़ करना है ताकि आपके फेस के ऊपर जो ग्लो है वो मेंटेन रह सके। हमने सिर्फ ग्लो वापस नहीं ला के आना होता बल्कि उसको मेंटेन भी करना होता है। आपने मेक श्योर करना है कि कॉफ़ी के तमाम जो है पार्टिकल्स वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएं। ये देखें, ये अच्छे से जो है वो डिसॉल्व हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अपने फेस के ऊपर इसे अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 20 मिनट्स तक इसको लगे रहने देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपने इसको फेस पे लगाना है, हल्का सा मसाज करना है और फेस को वॉश कर लेना है। और अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो 20 मिनट्स के लिए आप इसको अपने फेस पे लगे रहने देंगी। 20 मिनट्स के बाद जाके आप अपने फेस को टैप वाटर के साथ वॉश कर लें। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मास्क है, इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है आपके फेस के ऊपर और आपका फेस पहले ज़्यादा आपको क्लीन और शाइनी नज़र आएगा।
आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है, और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।